भोजपुरी का तड़का पे आपका एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है, कुछ बताइए फिल्म के बारे में। थैंक यू। हमारे न्यू फिल्म की नाम है अभिनेता टू राजनेता, तो उनकी जो आर्टिस्ट थ्रू पॉलिटिक्स एक जर्नी है ये हम दिखाना चाहते हैं, अभिनेता से राजनेता कैसा बना है का, और एक आम इंसान भी अभिनेता बन सकते हैं और अभिनेता से राजनेता भी बन सकते हैं, संसद में भी जा सकते हैं, ये मूवी की तरफ से दिखाया गया है। जी, कौन कौन है स्टार कास्ट फिल्म में? दिनेश लाल यादव खुद है, आम्रपाली दुबे है और अमृत सिंह है। मूवी की डायरेक्टर राइटर है संतोष मिश्रा जी, बाकी स्टार कास्ट का। क्या क्या दिनेश जी को लेकर क्या क्या दर्शाया जाएगा, उनके संघर्ष को लेकर क्या क्या चीजें फिल्म में दिखाई जाएंगी? उनकी रियल लाइफ में रियल संघर्ष को ही हम प्रेजेंट करेंगे मूवी में, रियल जहाँ जहाँ उनके साथ संघर्ष में ऑर्गेनिक कनेक्ट करने की कोशिश है। क्या आम्रपाली दुबे जी इसलिए फिल्म में कास्ट हैं क्योंकि वो बहुत सारी फिल्मों में दिनेश जी के साथ रह चुकी है? हाँ, उनकी रियल लाइफ से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं हम कोशिश कर सारे लोग को कवर करने के, आम्रपाली दुबे जी वो है, बाकी अखिलेश जी है, तो सारे मोस्ट कनेक्ट करने की कोशिश है। म्यूजिक को लेकर क्या प्लानिंग है, कैसा म्यूजिक? म्यूजिक के लिए म्यूजिक तो हम डायरेक्टर संतोष मिश्रा के पास छोड़ दिया, वो फाइंड आउट स्टडी बाकी है। शूट की क्या प्लानिंग है? शूट की होमवर्क सब रेडी, बजट प्री प्रोडक्शन बजट पोस्ट एंड सब कुछ होमवर्क सब रहे, तो नेक्स्ट मंथ आई होप नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक या मिड स्टार्ट होने वाला। सिंगर्स कौन कौन से होंगे कुछ? यह अभी तक कंफर्म नहीं है, होमवर्क चल रहा है इसका। जी, शूटिंग कहाँ की जाएगी? दिनेश जी की होमलैंड अजमगढ़ वही है, और कनेक्टिंग कुछ आसपास और कुछ प्लेसेस हो सकते हैं। कैसे प्लानिंग की गई थी दिनेश जी की ऊपर एक बायोग्राफी उनकी लाइफ पर बनाई जाए? हम स्टडी कर रहे थे कुछ ऑडियंस को रेगुलर जो मैसेज आ रहे हैं उसे हट के कुछ मिले, तो काफ़ी स्टडी शायद उनकी बायोग्राफी भोजपुरी में, दिस इज द फर्स्ट बायोग्राफिकल मूवी, तो बायोग्राफी और दिनेश जी की जो लाइफ की जर्नी है ये हार्ट सुनने वाली बात है, हार्ट टस्ट हिस्टोरी है, तो हर ऑडियंस की हर वोटर्स को एवरीवन शुड नो। जी, और क्या क्या प्लानिंग है इन फ्यूचर, कौन सा क्या फिल्म में और लेकर आएंगे? हाँ, इसके बाद भी हमारा नेक्स्ट वार भी कंटिन्यूअसली हम ये स्टार्ट है नेक्स्ट, बाकी स्टार्स के साथ में भी काम करने के एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा जाएगा वो देखना है। कुछ कहेंगे फैंस को? फैंस को ये मूवी तो देखना ही है, क्यों देखना है, एक एक, एक फैंस को ऐसा लगना चाहिए जो हर फैन दिनेश लाल यादव निरोवा बन सकते हैं, ये मूवी की तरह से यही मोटिवेट करेगा सोसाइटी को, जितनी भी वोटर्स है उनका, उनको तो वोट दिया है, अभी लगता है जो ये मूवी की टिकट लेके मूवी देखना ये दिनेश जी को वोट देने के बराबर है, तो फैंस को देखना बहुत जरूरी है, लाइफ को एक मोटिवेट करने की एक मौका है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।